डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे साथ जिंदगी में एक सबसे डरावनी घटना घटी थी और उस समय मैं 10 साल का था। अपने दोस्तों के साथ मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था और जब 2 बजे हमें स्कूल से छुट्टी होती, हम स्कूल से बाहर निकलते, लेकिन घर पहुँचने में 5 बजे का वक्त हो जाया करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ रहता। स्कूल के पीछे एक गांव में फल के बाग हुआ करते थे, जहां अलग अलग तरह के फल लगा करते थे। हम छिपकर उस बाग के अंदर घुस जाया करते थे और चोरी छिपे कई फलों को तोड़कर खाया करते थे। हम कभी पकड़ में नहीं आए थे। उसके बाद हम पास की ग्राउंड में 1 घंटे तक खेलते रहते। हम अपने वो स्कूल बैग वहाँ पर रखते, उसके बाद एक बल्ला और गेंद लेकर क्रिकेट खेलते रहते। कभी हम फुटबॉल खेलने लगते, फिर हम आसपास के और गांव में भी घूमने के लिए जाते। हमें वहां आसपास के जितने भी गांव थे सबके बारे में पता था, कौन कहां रहता है, कौन कहां घूमने जाता है। हम नए नए दोस्त भी बनाया करते थे, कुछ ऐसे दोस्त जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा करते थे बल्कि शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा करते थे। उनके पास जाकर उनकी किताबें देखना, उन्हें पीटना भी, ताकि उन्हें एहसास हो कि गांव में रहना है तो गांव के स्कूल में पढ़ना है, लेकिन वो हमारी बात मानते ही नहीं थे। इसी तरह हम एक ऐसे गांव में भी जाया करते थे जहां घर तो काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन वहां लोग कम रहा करते थे। और वहां एक दिन जब हम मकई के खेत में कुछ मकई तोड़ने के लिए गए हुए थे, उस मकई के खेत के पीछे हमें एक नया घर दिखा था। कभी भी मकई के खेत के बिल्कुल पीछे बने उन पेड़ों के पास हम पहुंचे ही नहीं थे। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने लगा करते थे, लेकिन जब हमारे पीछे खेत का मालिक पड़ गया, हम 6 बच्चे थे और 6 भागे जा रहे। हमने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रखा था और मकई के खेत से निकलकर आगे वाले जैसे ही उन पेड़ों के पास पहुँचे, वो खेत का मालिक उस तरफ आना नहीं चाहता था और ये बचने का सबसे अच्छा तरीका था। हमें पता था कई बार जंगल में कुछ जानवर होते हैं जिनसे लोग डरते हैं। कई बार झाड़ियों के बीच जाने से भी लोग डरते हैं कि वहाँ पर सांप तो नहीं होगा, लेकिन हमें तो बस बचना था। कहीं डांट ना पड़ जाए, कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए, कहीं हमारे पिता को ना पता लग जाए, इसीलिए हम उन पेड़ों के आगे निकल आए और वहाँ हमें एक घर दिखा था। उस घर को देखते ही हमें बहुत अजीब सा लगा था। ये घर यहाँ पर है, आसपास और कोई घर तो मौजूद ही नहीं है। वो घर भी टूटा फूटा सा था, लेकिन उसकी चिमनी से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था। हम सभी दोस्त एक दूसरे से सवाल करने लगे थे, क्या हमें घर के अंदर जाना चाहिए? यहाँ कौन रहता होगा? हमारे पास सवाल तो कई थे लेकिन हमें जवाब मिल नहीं पा रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था, चलो घर के अंदर जाकर देखते हैं, अंदर आखिर कौन है। अगर यहाँ कोई रहता होगा और हमारा दोस्त बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी स्कूल से छुट्टी होगी, यहाँ आकर हम आम खाया करेंगे, मकई खाया करेंगे और हमें ढूंढने वाला भी कोई नहीं होगा। रविवार के दिन हमें छुट्टी होती है, यहाँ पूरा दिन गुजार सकते हैं। पहले जाकर देखते हैं आखिर इस झोंपड़ी में रह कौन रहा है। जैसे ही उस झोंपड़े का दरवाज़ा हमने 2-3 बार खटखटाया था, अंदर से कोई बाहर ही नहीं आया, लेकिन धुआं निकल रहा था। ये इस बात के सबूत थे कि अंदर कोई मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो शायद दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता, या शायद यहाँ कोई आता जाता ही नहीं। उसे ऐसा लग रहा होगा कि यह दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। काफ़ी समय तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा एक दोस्त काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू था। वो हर बार ऐसी हरकतें किया ही करता था। उसने छलांग लगाई और उस दरवाजे पर पैर मारा। वो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया था।
और ये ज्यादा बड़ा झोंपड़ा नहीं था। चिमनी के नीचे आग लगी हुई थी और एक कुर्सी पर बूढ़ी औरत बैठी थी। उस बुढ़िया की उम्र 90 साल होगी। उससे अच्छे से उठा भी नहीं जा रहा था और एक तरफ ताज़ी सब्जियां पड़ी थी और दूसरी तरफ गली हुई सब्जियां। एक तरफ ताज़े फल पड़े थे, दूसरी तरफ सड़े हुए फल। ऐसा लग रहा था इस झोंपड़े का एक कमरा बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है, जबकि दूसरा कमरा बहुत ही गंदी तरह से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। एक तरफ खुशबू आ रही थी, दूसरी तरफ से बदबू आ रही थी। मेरा एक दोस्त मनोज, वो कह रहा था चलो जाकर चेक करते हैं, जिंदा भी है या मर तो नहीं गई। मैं उसे कह रहा था हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कोई परेशानी ना पड़ जाए। अगर वो मरी हुई तो ऐसा ना हो कोई हमें यहाँ पर देख ले और वो हम पर इल्ज़ाम लगाएगा कि हमने एक बुढ़िया को मार दिया। मेरा दोस्त कहे जा रहा था अरे हम तो बच्चे हैं, हम पर कौन इल्ज़ाम लगाएगा, और तुझे क्या लगता है मैं जाकर गला घोंटने वाला हूँ, बस जाकर बात ही तो करनी है। इसके बाद मनोज धीरे धीरे चलता उस बुढ़िया के करीब आया। वो कुर्सी पर बैठी तो हुई थी लेकिन हिल नहीं रही थी, उसका पेट भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जैसे सांस ले ही ना रही हो। लेकिन उसका शरीर बूढ़ा जरूर था, ऐसा नहीं था कि वो मरी हुई हो, दिखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। जैसे ही मनोज उसके करीब गया, उसके कंधे पर मनोज ने हाथ रखा था हिलाने के लिए, अचानक उसका पेट जैसे हिलने लगा, वो जैसे अब सांस ले रही थी और बड़ी ही तेजी से। उसके बाद जब हमारा ध्यान उसकी आंखों की तरफ पड़ा था, उसकी आंखें जैसे खराब थी, वो हिलकर उठी थी और पूछ रही थी कौन है, कौन यहाँ आया है। उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी, उसकी उम्र ही काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो अंधी थी, देख नहीं पा रही थी और हमसे पूछ रही थी कौन है, कोई चोर तो नहीं, यहाँ से सामान मत चुरा कर लेकर जाओ। वो बड़ी गरीब लग रही थी, एक तो अंधी थी, पता नहीं यहाँ कौन सामान रख कर जाता होगा, वो तो इस घर में खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती होगी। तभी मनोज उससे पूछने लगा था देखिए माताजी, आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या, आपके साथ कोई नहीं रहता, हमें तो लग रहा था आप हिल ही नहीं रही, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी थी हाँ हाँ बस उसी कगार पर हूँ कि कुछ ना कुछ होने ही वाला है, लेकिन अभी के लिए कह सकती हूँ कि जिंदा हूँ। तब मैंने उस बुढ़िया से सवाल किया था माताजी आपको कुछ नज़र नहीं आता तो आप यहाँ पर रहती कैसे हैं, तो उसने जवाब दिया था मेरे अपने मुझे छोड़कर जा चुके हैं, मैं भी अब मौत का ही इंतज़ार कर रही हूँ, काम बस चलाए जा रही हूँ, क्या कर सकती हूँ अब। हमें बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था और हमने माताजी को वादा किया माताजी कोई और आपसे मिलने आए ना आए, हम आपसे मिलने के लिए ज़रूर आया करेंगे, आपको कोई एतराज़ तो नहीं। तब वो बुढ़िया कहने लगी मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, कुछ बातें करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं भी तुम्हें कहानियाँ सुनाया करूँगी, मैं तुम्हें जानकारी दिया करूँगी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए जो कर सकती हूँ वो करूँगी। हम एक घंटे तक माताजी के साथ बातें करते रहे थे, तब हम घर भी जाना चाहते थे। उस बुढ़िया को हमने अलविदा कहा और घर की तरफ हम निकल पड़े। 4-5 दिन बाद फिर से उस झोंपड़े में हम गए थे। इस बार जैसे ही छुट्टी हुई हम सीधा वहां पर पहुंच गए थे। तब उस बुढ़िया से कुछ देर बातें की, उसकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछे और वो हमारे बारे में जानना चाहती थी। हम इसी तरह से बातें करते रहे और जब हमने वापस जाने की बात की लगभग 4 बजे, तब वो बुढ़िया कहने लगी रुको 10 मिनट के लिए, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी सुनने के बाद तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, और यकीन करो ऐसी कहानी सुनने के लिए तुम मेरे करीब आते ही रहोगे। हम वहाँ रुक गए और उस बुढ़िया ने 10 मिनट में एक बहुत डरावनी भूत की कहानी सुनाई। हम 6 बच्चे थे और 6 के 6 बहुत ज़्यादा डर गए। इसके बाद हम वहाँ से भाग कर निकले और पीछे से वो हंस रही थी। 2 दिन बाद फिर से हम कुल 10 बच्चे थे जो वहाँ पर गए थे, और वो बुढ़िया पहचान गई थी कि कितने बच्चे हैं।
ये सुनकर हम सब हैरान थे। मैंने उस बुढ़िया से सवाल किया था कि माताजी आपको कैसे पता कि 10 बच्चे आए हैं इस बार। उसने कहा, मैं पैरों की आवाज़ सुनकर पहचान सकती हूँ, भले ही मुझे नज़र नहीं आता लेकिन मैं आवाज़ें सुन सकती हूँ, पहचान कर सकती हूँ, समझदार रही हूँ अपनी जवानी में, उसी का इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं। इसके बाद हमने उस बुढ़िया से कहा था, क्या आप एक और कहानी सुनाएंगी, वैसी ही डरावनी, या वही वाली सुना दीजिए। उसने कहा, वही नहीं, अब कोई नई कहानी सुनाऊंगी। तुम उस दिन बहुत ज़्यादा डर गए थे ना, इस बार भी कोई ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद तुम और डरोगे, और इसके बाद मुझसे मिलने के लिए आया करोगे और मैं कहानियाँ सुनाया करूँगी। उसने इतनी डरावनी कहानी सुनाई थी एक पिशाच की कि हम 10 के 10 डर गए थे, और 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कानों पर हाथ रख लिए थे। वहाँ से 10 के 10 हम भाग निकले थे। इस तरह हर 2-3 दिन बाद हम उसके पास जाया करते डरावनी कहानी सुनने के लिए, और हमने क्लास में सबको ये कह रखा था कि वो बूढ़ी औरत अंधी है लेकिन जैसे सब कुछ जान सकती है, वो एक भूतनी है। ये कहकर हम जैसे डर करने के लिए वहाँ जाया करते डरावनी कहानी सुना करते और डर कर भाग निकला करते। एक बार मकई के खेत के बीच से हम वहाँ पीछे वाले उस पेड़ों के बीच जाना चाहते थे, तब मकई के खेत के मालिक ने हमें देख लिया। हम घबरा गए थे और वो हमारे पीछे पीछे भागने लगा। हमें लगा हम उन पेड़ों की तरफ भाग सकते हैं। हम 3 बच्चे थे और मेरे वो दोस्त मेरा हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ भाग निकले। उन्हें लग रहा था कि वो पकड़े जाएंगे। इस समय जो मकई के खेत में मकई लगी हुई नहीं थी, जितने भी मकई थे उनकी जैसे संख्या कम थी और वो बहुत छोटे थे, तोड़ने लायक नहीं थे, खाने लायक नहीं थे। वो आदमी ने मुझे पकड़ लिया। मुझे डर था कि अब बहुत ज़्यादा पिटाई होगी और मैं तो माफ़ी मांगने लगा था कि मुझे कुछ मत कीजिए, देखिए मैंने कोई मकई को नहीं तोड़ा है। तब वो आदमी कहने लगा, देखो पागल, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पकड़ रहा हूँ कि तुम मकई तोड़ने के लिए आए हो, कारण कोई और है। उस आदमी ने मुझे मकई के खेत से बाहर निकाला और वो मुझे कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो जो उन पेड़ों की तरफ भागे जा रहे थे? तुम्हें पता है उन पेड़ों के पीछे जैसे जंगली इलाका है और वहाँ काफ़ी भूतिया घटनाएं होती हैं, उस तरफ कोई नहीं जाता और तुम बच्चे काफ़ी छोटे हो, वहाँ मत जाना। एक दिन पहले भी मैंने देखा एक बच्चा उस तरफ भागा जा रहा था, मैं उसे पकड़ नहीं पाया, क्या वो तुम थे? मैं मुकर गया, नहीं नहीं मैं उस तरफ कभी नहीं गया, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा था यहाँ मकई के खेत हैं, एक आध मकई मिल जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ घुसा था, लेकिन ये तो काफ़ी छोटे हैं, आप माफ़ तो कर देंगे ना, जब ये बड़े हो जाएंगे एक आध में तोड़ने के लिए आऊँगा। वो ज़मीन का मालिक बहुत अच्छा था, वो कह रहा था, हाँ जब मकई बड़े हो जाएंगे ना मैं तुम्हें खुद दे दूंगा, यहाँ आना मुझसे मांगना और मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। उससे बात करके मैं वहाँ से निकल आया था। काफ़ी दूर गाँव के पास मुझे मेरे वो कमीने दोस्त मिले। मैं उन्हें गालियाँ निकाल रहा था कि वो मुझे बचाने के लिए भी नहीं आए, उसने बड़ी आसानी से मुझे पकड़ लिया, और वो हंस रहे थे, अच्छा तो एक झांपड़ पड़ा या कई झांपड़ पड़े, मुक्के तो नहीं पड़े पीठ पर? मैंने कहा, कमीनो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो चाहता था कि हम उस पेड़ की तरफ ना जाएं, इसीलिए वो मुझे रोक रहा था। वो पूछने लगे, आखिर ऐसा क्यों? मैंने कहा, उसने कहा है कि वो जो पीछे पेड़ लगे हैं ना वहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं। ये सुनने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इसके बाद लगभग 5 दिनों तक हम उन पेड़ों के पास नहीं गए थे। हमारी क्लास में हमने सबको ये बता दिया था कि वो पेड़ भूतिया हैं। एक हफ्ता बीत गया और उसके बाद हम सबके अंदर चुल मचने लगी कि वहाँ जाकर आते हैं, भूतिया घटनाएं हमारे साथ तो हुई नहीं थी, जाकर देखते हैं ना, वो बुढ़िया से पूछते हैं वहाँ कौन सी भूतिया घटनाएं होती हैं। इसके बाद हम 10 बच्चे थे, 10 के 10 अब उस मकई के खेत के बीच से निकलकर उन पेड़ों के पास बने उस झोंपड़े के अंदर गए। वो बूढ़ी हमें देखकर ही पहचान गई थी और वो हमें कह रही थी, 10 के 10 आए हो लेकिन बहुत देर लगाकर आए हो, क्या हुआ मेरी याद नहीं आई, कहानियाँ अच्छी नहीं लग रही? मैंने कहा, नहीं नहीं कहानियाँ तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमारे साथ एक हादसा हो गया था। वो बूढ़ी औरत पूछने लगी थी, हादसा हो गया था? कैसा हादसा हो गया था? मैंने कहा, वो मकई के खेत का मालिक है ना, उसने मुझे पकड़ लिया था
और मुझे तो लगा था बहुत पीटेगा, क्योंकि हम मकई तोड़ने के लिए कई बार उस खेत के अंदर जाते हैं ना। लेकिन वो हमें समझा रहा था कि मकई के खेत तक सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे वाले पेड़ों में नहीं जाना है, यहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं। अब माताजी आप बताइए, यहाँ कौन सी भूतिया घटनाएं होती हैं? तब वो बूढ़ी औरत हंसकर कहने लगी, वो पागल होगा, वैसे भी वो सब पागल ही हैं। मेरे जैसी औरत बूढ़ी जहाँ पर रहती हो वहाँ कौन सी भूतिया घटनाएं हो सकती हैं? मैंने तो कभी एहसास नहीं की, देखो तो मैं यहाँ पर रहती हूँ, किसी भूत ने मुझे मारा। उसकी बातें सुनने के बाद हम हंसने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा हंसे थे। और इसके बाद हर 2-3 दिन बाद हम फिर से उसके पास जाने लगे, भूतिया कहानियाँ सुनने लगे। लेकिन इस बार उसने कुछ अजीब चीज़ कही थी। वो बूढ़ी औरत कह रही थी, इस बार तुम ना शाम के वक्त यहाँ पर आना, मैं तुम्हें एक अजीब सा जादू करके दिखाऊंगी, ज़िंदगी में कभी तुमने ऐसा जादू नहीं देखा होगा। उसने जादू की बात की थी और हम सब हैरान थे। हम सब ने कहा कि हमें अभी जादू दिखाइए। उसने कहा, नहीं अभी जादू नहीं दिखा सकती, मैं जब कह रही हूँ उस दिन तुम्हें जादू करके दिखाऊंगी, मैं पूरी तैयारी करके रखूंगी। हम भी पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन जो वक्त उसने कहा था, शाम के वक्त हम अपने गांव पहुंच जाते हैं, उसने यहाँ रुकने को कहा था, तो हमें लगा यहाँ रुकते हैं। लेकिन मनोज कह रहा था, यहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं, अंधेरे में रुकना नहीं चाहिए, अगर अंधेरा हुआ और यहाँ कोई भूत चुड़ैल ऐसे कुछ आ गया फिर हम क्या करेंगे? तब वो बूढ़ी औरत कह रही थी, चुड़ैल भूत कुछ नहीं आने वाला, इतनी बार आ चुके हो, अब भी डर खत्म नहीं हुआ, तो जादू देखने के बाद डर खत्म हो जाएगा। अब उसने हमें ये कहा था और हम दोस्तों ने प्लान बनाया था, उस दिन शाम को लगभग 5:30 बजे यहाँ पर आएंगे और लगभग 7 बजे से पहले यहाँ से निकल लेंगे, पूरा प्लान सही से काम करेगा, हमने ये सोचा हुआ था। लेकिन हमें ये पता नहीं था वो अंधी भूढ़ी औरत आखिर हमें दिखाने क्या वाली है। हम उस दिन वहाँ पर पहुँच गए थे, वक्त 5:30 का सोचा था, लेकिन हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 6 बज गए। जैसे ही हम झोंपड़े के अंदर गए, वो बूढ़ी औरत आज उस कुर्सी पर नहीं बैठी थी, बल्कि वो खड़ी थी और उसने कपड़े भी कुछ अजीब से पहने हुए थे, कुछ चमकदार लेकिन काले रंग के, जैसे हमें वो कुछ दिखाना चाहती हो। उसने उस चिमनी में आग जला रखी थी और जैसे ही हम वहाँ पर आए, वो हंसकर कहने लगी, सभी के सभी आए हो जादू देखने के लिए, मैं कभी जादू दिखाया करती थी लेकिन बाद में मैंने जादू करना छोड़ दिया, अब तुम्हें मैं जिस जादू को दिखा रही हूँ पूरी ज़िंदगी तुम्हें याद रहने वाला है कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है, 10 के 10 लाइन में लग जाओ, यहाँ मैं इस आग में तुम्हें एक जादू करके दिखाऊंगी। ये कहकर उसने हमें एक लाइन में लगा दिया। अब वो काले जो कपड़े थे उनसे बदबू सी आ रही थी, अजीब सी बदबू, और उसने अपने पास कुछ जैसे मसाले रखे हुए थे, उन मसालों को अपने शरीर पर अपने कपड़ों पर रगड़ना शुरू हो गई। जैसे ही उसने वो सारे मसाले शरीर पर रगड़े, हम देख रहे थे आखिर वो आगे करने क्या वाली है, और उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। हमें पता नहीं था आखिर आगे क्या करेगी, लेकिन हम कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसने वो कहानी शुरू की, 80 साल पहले यहाँ पर एक औरत रहा करती थी, इन्हीं पेड़ों के बीच उसका एक घर था और वो अपने परिवार वालों से दूर रहना पसंद करती थी, क्योंकि परिवार वाले उसे जैसे एक डायन समझते थे। जो भी औरतें जादू करती हैं उन्हें लोग डायन समझना शुरू हो जाते हैं और उनसे वो प्यार नहीं करते। वो औरत के जितने भी घर वाले थे, परिवार वाले थे, उसे छोड़ चुके थे। उस औरत ने यहाँ पर एक झोंपड़ा बनाया, तुम जिस झोंपड़े को देख रहे हो ये झोंपड़ा उसी औरत का है। अब वो अकेली रहने लगी थी तो लोग उससे जैसे प्यार नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे। भूख उसे भी लगती थी खाना इकट्ठा करने के लिए। जब वो गांव में जाया करती थी तो लोग उसे खाना नहीं देते थे, लोग उसे भगा दिया करते थे, और जितने भी मर्द थे उसे गंदी नज़र से देखते थे, छेड़ने की कोशिश करते थे। और कई बार अब झोंपड़े के इर्द गिर्द वो मर्द रात के अंधेरे में मौके की तलाश करते थे।
वो औरत ने झोंपड़ा सख्त बनाने की कोशिश की कि कोई भी अंधेरे में उस झोंपड़े के अंदर ना घुस पाए। वो अकेली रहती है इसीलिए लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। वो अब बचने के लिए उन जादुओं को सीख रही थी और उसका इस्तेमाल भी करने लगी थी। रात के अंधेरे में एक मर्द उसका वो दरवाज़ा खोलकर उससे ज़बरदस्ती करने के लिए अंदर घुसा था और उसने एक चाकू से उसका गला रेत दिया था। लेकिन अगर लाश किसी को मिल जाती तो वो पकड़ी जाती और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता। तो उसने इसे चिमनी में उसकी लाश को जलाया था। किसी को भी अगर जलाया जाए तो बदबू निकलती है, लेकिन अगर ऐसे मसाले लगा दिए जाएं तो इसे आहूति की तरह जलाया जा सकता है। और अगर आपको जादू भी आते हो तो आपकी लाश ऐसे नहीं जलती, आपकी लाश कुर्बानी की तरह जलती है। उसकी लाश को यहीं पर उसने जला दिया। लेकिन गांव वाले उस आदमी की तलाश में वहां पर आए थे और कई ऐसे लोग थे जो उसे जानते थे। वो कह रहे थे वो इस लड़की का पीछा किया करता था, इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसने कुछ ना कुछ उसके साथ किया है। अब गांव वाले बार बार उस औरत को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। वो औरत क्या करती, वो और ज़्यादा जादू पर ध्यान देने लगी, जादू सीखने लगी। अब उसे बचने का एक ही तरीका पता था। वो डायन नहीं थी, जादूगरनी थी, लेकिन उसे डायन बनना पड़ा। और जब कोई डायन बनता है तो उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। शक्तियों के साथ उसे खून भी चाहिए होता है, काली शक्तियाँ खून मांगती हैं। और अब जो भी इन पेड़ों के इर्द गिर्द आता था वो उसे काट कर जला दिया करती थी, जिससे उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाया करती थी। वो एक शक्तिशाली डायन थी जो अब बदला ले रही थी। हर एक से वो बदला लेना चाहती थी जो उसे परेशान किया करता था, जो गांव में उसे गालियां निकाला करता था। वो परिवार वाले भी जो उसे गांव से निकाल चुके थे, उसने उनसे भी बदला लिया। हर किसी को मारा था जला जला कर, काट काट कर। वो डायन बहुत शक्तिशाली थी। तभी मैंने उस बुढ़िया से कहा, कहानी काफी खतरनाक है, काफी ज्यादा डरावनी है, लेकिन आप तो कोई जादू दिखाने वाली थी। तब वो बुढ़िया ने गुस्से में कहा था, कहानी खत्म होने दो, फिर तुम्हें एक जादू करके दिखाऊंगी। कहानी और जादू के मिश्रण से तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगेगा। सुनो सुनो, आगे सुनो। फिर वो जो डायन बन गई थी ना औरत, वो कभी भी जवान रहना नहीं चाहती थी। उसने कभी जवानी वाली उस क्रिया को करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें पता है जो डायन होती है वो हजार साल तक जिंदा रह सकती है। अगर वो दूसरों के जीवन को चूस ले वो जवान हो सकती है, और जवानी दोबारा आने के बाद जिंदगी साधारण जी सकती है, उसे बूढ़ा होने का डर नहीं होता। लेकिन वो जो डायन थी ना, कभी किसी की जवानी चुराने की कोशिश नहीं की उसने। वो बस बदला लेना चाहती थी, और सबसे बदला लेने के बाद उसने ये चीज़ें छोड़ दी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, उसका शरीर बूढ़ा होने लगा। वो बूढ़ी होती गई होती गई, और तब जाकर उसे एहसास हुआ जवानी में ही जो करना है किया जा सकता है, बुढ़ापे में बस मौत मिलती है। इसीलिए वो सोचने लगी अब जवानी कैसे पाई जा सकती है। वो बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर में जान नहीं बची थी, और डायन ऐसे ही बहुत ज़्यादा बूढ़ी होकर मरती है। लेकिन उसे लगने लगा शायद वो दोबारा जवान हो सकती है, जब उसे एक मौका नज़र आया। कुछ बच्चे उसके करीब आने लगे थे। वो बूढ़ी थी, अंधी हो चुकी थी, लेकिन बच्चे करीब आए, उसके चंगुल में फंसे, और बार बार यहाँ आने के बाद वो उन्हें जादू की चीज़ें खिलाती। हर एक को वो चीज़ खिलाने के बाद उसे खुद की आहूति देनी थी। अपने शरीर की आहूति देने के बाद वो 10 बच्चों के शरीर से शक्ति चूसती और दोबारा अपना नया शरीर बना सकती है। बस उसे आहूति देनी है। अब डरावनी चीज़ दिखाऊं तुम्हें? वो देखो आग, ये देखो वो औरत, वो डायन, और ये देखो आहूति। उस बुढ़िया ने छलांग लगाई थी आग के बीच, और वो आग इतनी तेज थी कि उसका शरीर जलने लगा। वो तड़प नहीं रही थी,
उसकी आंखें जैसे खड्डे थे, बीच में आंखें मौजूद नहीं, लेकिन वहां से आग की लपटें निकलने लगी। वो हमारी आंखों के सामने जल रही थी और हमें लगा ये कोई जादू है, वो आग से बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं हुआ, उसका पूरा का पूरा शरीर जल गया। वहां 15 मिनट में वो लगभग राख बन गई थी और ये देखकर हमारी टांगें कांपने लगी और हम चीखते हुए वहां से बाहर भागे थे। हम इतनी तेज भागे थे कि बस जो हमने देखा है उस पर हमें यकीन नहीं करना है। वो बुढ़िया मर गई और उसने जो कहानी सुनाई है वो इतनी ज़्यादा डरावनी है, हम शायद इससे ज़्यादा डरावनी कहानी नहीं सुन सकते जो आंखों के सामने हमने देखा है। मैं उस शाम घर आ गया था। घर में भी काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी थी कि मैं इतने समय कहाँ पर था। डांट तो खा ली लेकिन सच नहीं बताया। मुझे ये डर था मेरा कोई दोस्त अपने घर में सच बता ना दे, हम पर तो पुलिस केस हो जाएगा, सबको लगेगा हमने एक बुढ़िया को जलाकर मार डाला। वो तो पागल थी लेकिन क्या उसकी वो बताई हुई कहानी सच तो नहीं थी। बस इस चीज़ ने हमें डराए रखा। अगले दिन जब हम स्कूल में गए थे सभी के सभी दोस्त आसपास ही बैठे थे। हम आपस में यही बात कर रहे थे कहीं उसकी वो कहानी सच तो नहीं। मनोज ने कहा था ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी कहानियां सच थोड़े ना होती हैं, वो बुढ़िया बेवजह ही हमें डराया करती थी। मैंने कहा वो तो सही है डराया करती थी, आग में उसने खुद को क्यों झोंका था। उसके बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं था और हमने एक दूसरे से वादा किया था कि वो जो घटना हुई है हर कोई उसे भूल जाएगा, कोई किसी को नहीं बताएगा। अगर किसी को पता लगा वहाँ हमारी आंखों के सामने क्या हुआ तो लोग वहाँ जाकर देखेंगे और हड्डियाँ वड्डियाँ कहते हैं जलती नहीं, वो वहाँ मिल जाएंगी और हम फंस जाएंगे। समझो कि वहाँ पर हम कभी गए ही नहीं और वैसे भी उसे भूतिया जंगल, भूतिया पेड़ कहे जाते हैं, वहाँ कोई जाएगा भी नहीं, हमेशा के लिए ये राज राज रहेगा। हम ये सोचकर खुश थे आखिरकार ये चीज़ हमसे दूर हुई। अगले दिन मनोज स्कूल ही नहीं आया, उसके बाद हमें थोड़ी चिंता हो रही थी। मैं मनोज का सबसे अच्छा दोस्त था, वो जब भी छुट्टी करता था मुझे बताकर करता था, बस कभी बीमार हो जाए तब अचानक छुट्टी कर लेता था और शाम के वक्त मैं उसके घर जाकर ज़रूर आता था, पूछ कर आता था आखिर उसने छुट्टी क्यों की है। दोपहर को जब मैं उसके घर पहुंचा था मैं मनोज से मिलना चाहता था लेकिन मनोज की माँ कह रही थी मनोज रात से काफ़ी अजीब सी हरकतें किए जा रहा है, किसी से बहुत ज़्यादा डरे जा रहा है, उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया तो वो स्कूल आ नहीं पाया। जब मैं मनोज से मिलने के लिए उसके कमरे में गया था मुझे देख कर भी वो डर गया था, लेकिन उसके बाद भागा हुआ मेरे करीब आया, उसने वो दरवाज़ा लगाया और फिर वो मुझे कहने लगा वो मेरे आसपास है, वो वहाँ से निकल कर अब पीछा कर रही है। मैंने कहा कौन पीछा कर रही है, किसकी बात कर रहा है, तू चिंकी की बात तो नहीं कर रहा जिससे तेरी लड़ाई हुई थी। उसने कहा नहीं चिंकी नहीं, वो अंधी बुढ़िया, अंधी बुढ़िया मुझे रात को दिखी थी इधर उधर जैसे मेरा पीछा कर रही हो। मैंने कहा तू पागल तो नहीं है, धीमा बोल धीमा, कोई सुन ना ले, तेरी माँ ने ये सुन लिया ना तो वो पूछेगी अंधी बुढ़िया कौन है, फिर क्या जवाब देगा। उसने कहा मैंने माँ को नहीं बताया, मैं तो खुद रात का सोच रहा हूँ किसी को बताऊँ तो कैसे बताऊँ, लेकिन वो सामने हमारी खिड़की के बाहर पेड़ दिख रहा है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा वहाँ उसके पीछे वो अंधी बुढ़िया मुझे देख रही थी और उसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ी थी, फिर उसके बाद वो पीछे वाले कुएं के पीछे भी मुझे देख रही थी, मैं तो कमरे के अंदर आकर छिप गया, मुझे लग रहा है वो पीछा कर रही है, कहीं उसकी वो कहानी सच तो नहीं, वो दोबारा अपना शरीर तो नहीं बनाना चाहती हम 10 बच्चों को मारकर। मैंने फिर से उससे कहा था धीमा बोल तू पागल तो नहीं, मारने की बात मत कर और अंधी बुढ़िया की बात किसी से मत करना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जानता है ना तू। अगले 3 दिनों तक मनोज स्कूल नहीं आया था और मैं भी उससे मिलने के लिए नहीं गया था, मुझे लगा उसे बुखार होगा इसीलिए भ्रम हो रहे होंगे। लेकिन 5वें दिन उसकी माँ से स्कूल छोड़ने आई थी, उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, वो स्कूल तो जाना चाहता था लेकिन बार बार इधर उधर देखकर बहुत ज़्यादा डरे जा रहा था, जैसे उसे कोई चीज़ नज़र आ रही हो। उसकी माँ ने कहा था
मनोज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, अपने साथ रखना, ये काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम शहर वाले किसी डॉक्टर को दिखाएं, तो क्या तुम अपने साथ रखोगे और इससे पूछो? कोई चीज़ है, हमें बता नहीं पा रहा है, बस किसी चीज़ से डरता रहता है। मनोज मेरे पास वाली सीट पर बैठा था, उसे थोड़ा बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन बार बार वो दरवाजे की तरफ इशारा करता, वो वहाँ पर है। मैंने कहा, कौन कौन बता? हम सभी दोस्त उसके इर्द गिर्द थे और मनोज ने तब इशारा करके कहा था, अंधी बुढ़िया, वो मेरा पीछा करती है, वो मेरा पीछा करती है, बस मुझे पकड़ने वाली है। मैं उससे बच जाता हूँ, लेकिन अब भी क्लास के बाहर खड़ी है। मैं भागकर उस दरवाजे के पीछे गया और कहने लगा, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। तब उसने कहा था, तेरे कंधे के पीछे, उसने तेरे कंधे पर हाथ रखा है, तुझे महसूस नहीं हो रहा? मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं उसकी बातों से घबरा तो गया था, लेकिन मैंने कहा, पीछे कोई नहीं है। किसी दोस्त को वो अंधी बुढ़िया नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हम सबको लगने लगा था वो कहानी ने मनोज को इतना ज़्यादा डरा दिया है कि अब वो भूतों पर यकीन करने लगा है, शायद पागल हो गया है। क्लास में पूरा दिन वो ऐसा ही करता रहा, टीचर को कहता रहा, वो वहाँ है, पीछे से नज़र आ रही है, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। उसने स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी थी नीचे, वो कह रहा था वो मुझे पकड़ने वाली है। ये कहते कहते ऊपर से छलांग लगा दी, उसकी एड़ी मुड़ गई थी, ज़्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा रेत पड़ी हुई थी। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स वहाँ पर आए थे, वो रो रहे थे, तब प्रिंसिपल ने कहा था, ये अब स्कूल नहीं आना चाहिए, पहले डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ये अजीब हरकतें कर रहा है, आपको समझ में नहीं आता, ये कोई बुखार के कारण नहीं है, शायद इसे कोई दौरा पड़ता है। प्रिंसिपल ने ये कहा था और प्रिंसिपल ने मदद भी की थी, उनके जान पहचान में एक ऐसा ही डॉक्टर था जो कहते हैं कि पागलों का डॉक्टर है, वहाँ पर मनोज को दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 दिनों तक मनोज के माता पिता मनोज को लेकर वहाँ पर जाते रहे थे और 4th दिन हम मनोज के जब घर पहुँचे, वहाँ मातम का माहौल था। मनोज ने फांसी का फंदा अपने गले पर लगा लिया था, वो इतना पागल हो गया कि उसने फांसी लगा ली थी। ये सुनते ही हम सब बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे और मेरे बाकी दोस्त कह रहे थे, कहीं कहानी सच तो नहीं। मैंने सबको समझाया, नहीं नहीं, सच नहीं थी, ये पागल हो गया था इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा था। मनोज जिस तरह मारा गया, हम सबको बहुत ज़्यादा दुख था। स्कूल में 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई थी क्योंकि ये हादसा ही कुछ ऐसा था, एक स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगा लिया। दहशत थी आसपास के गांव में, सब जानना चाहते थे आखिर वो किस चीज़ से डर रहा था, उसे क्या सच में पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर था। अगले 3-4 दिनों तक स्कूल में बस मनोज की ही चर्चा चलती रही, वो हमसे बहुत दूर जा चुका था, हमें उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। हम अब 9 दोस्त बचे थे, हमारी एक पूरी की पूरी गैंग हुआ करती थी, हम कितना मस्ती किया करते थे, जैसे हमें किसी की नज़र लग गई। लेकिन 4th दिन राकेश स्कूल नहीं आया, उसके बाद मुझे राकेश की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। स्कूल से छुट्टी हम बहुत कम किया करते थे क्योंकि हम स्कूल में मस्ती ही बहुत ज़्यादा करते थे। राकेश ने छुट्टी की तो मैं उसके घर भी नहीं गया, लेकिन उसके अगले दिन भी उसने छुट्टी की, उसके बाद मुझे और ज़्यादा चिंता होने लगी थी और मेरे साथियों को भी चिंता हो रही थी। हम 8 के 8 उसके घर गए थे और जब राकेश के पिता ने हमें बताया कि राकेश अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, रात को रो रो कर उठता है और किसी चीज़ से डरता रहता है, ये सुनने के बाद हमारे माथे पर चिंता की लहरें आ गई थी। हम राकेश से मिलना चाहते थे लेकिन राकेश किसी से मिलना नहीं चाहता था। हमने ज़िद की कि हम राकेश से मिलेंगे। जैसे ही हम राकेश के कमरे में गए, राकेश डरा हुआ था, रो रहा था और बस एक ही चीज़ कह रहा था, वो कहानी सच थी, वो कहानी सच थी, हम सबको मारेगी, वो हम सबको मारेगी, वो हंसती है, मुझे हंसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मैं पागल हो रहा हूँ। राकेश की बातों ने सबको इतना डरा दिया, मेरे बाकी दोस्त उस कमरे को छोड़कर भाग गए थे। राकेश जो दीवारों पर लिखने लगा था, चेहरे से बनाने लगा था, वो बार बार लिख रहा था,
हम सब मरेंगे, वो हमसे कुछ चाहती है, हमें देना ही होगा। बार बार वो ये लिख रहा था, लेकिन उसके पास ये जवाब नहीं था क्या देना होगा। वो कह रहा था बस देना होगा, वो यह कहती है। मैं राकेश से मिलने अगले 2 दिनों तक गया था। राकेश की हालत बद से बदतर होती गई और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। लगभग 6ठे दिन जब से उसने ऐसी चीजें करना शुरू की थी, 6ठे दिन उसने अपनी गर्दन को एक चाकू से काटा था और खुद को मार दिया। साथ वाले कमरे में उसके माता पिता को पता तक नहीं चला। जब इस खबर का पता गांव में सबको लगा, हर तरफ दहशत फैल गई थी। एक बच्चे ने अपनी गर्दन क्यों काटी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। डॉक्टर तक ये कह रहे थे ऐसा बहुत कम होता है। खुद को मारने का सबसे मुश्किल तरीका ये है, गर्दन पर अगर चाकू लगाया जाए तो काटना असंभव के समान है। उसने आधी गर्दन काट डाली थी, मरने तक वो गर्दन काटता रहा था। हम 8ठों दोस्त बस यही सोच रहे थे ये मुसीबत और किसी के पास ना आए। हो सकता है ये एक बहुत बड़ा संयोग हो। शायद उसकी कहानी इतनी डरावनी थी कि हमारे 2 साथियों ने उन्हें दिल पर ले लिया और उसके बाद ऐसी हरकतें करने लगे। मैं उस चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहता था। मैं डरावनी कहानियां सुनना पसंद तो करता था, लेकिन ज़्यादा डरा नहीं करता था। लेकिन 3रे दिन जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मेरी आंख अचानक खुली, मैंने ऊपर पंखा हिलता हुआ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया हो। पंखा हिले जा रहा था और मैंने माँ को जगाया। माँ माँ पंखा हिल रहा है। माँ उठी और कहने लगी, पंखा कहाँ हिल रहा है, ठीक तो है। मैंने कहा, माँ माँ भूचाल आया है, भूकंप आया है माँ, पंखा हिल रहा है। माँ ने कहा, नहीं हिल रहा है। और उसके बाद माँ एक तरफ करवट लेकर सो चुकी थी। मैं उठा और पंखे को देख रहा। पंखा बीच बीच में हिलता हुआ नजर आता और बीच बीच में रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे हिलकर रुकता हो, जैसे मेरी आंखों का भ्रम हो। कभी मैं आंखें खोलकर देखता, पंखा हिल रहा होता, पलक झपकता और पंखा रुका हुआ दिखता। मुझे भ्रम होने लगा था और मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, आखिर क्या इसका रिश्ता मैं उस अंधी बूढ़ी से जोड़ सकता हूँ। उस रात कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिससे मेरी नींद टूटती रही। मैं बार बार करवट लेकर सोने की कोशिश करता, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन ऐसा लगता जैसे कोई मुझे हिला हिला कर उठा रहा है। मैं जैसे ही उठता देखने लगता मेरी माँ ने मुझे क्यों हिलाया होगा, लेकिन मेरी माँ तो खर्राटे मार रही होती। और तब मैं इधर उधर देखना शुरू हो गया, कहीं कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। रात के 3 बजे जब मेरी नींद खुली थी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। आखिर क्या चीज़ है जो बार बार मुझे जैसे हिला रही है। मैं एक आंख बंद करके उसके बाद ऐसे ही पड़ गया, ऐसे दिखा रहा था जैसे मुझे नींद आ गई हो। थोड़े थोड़े झूठे खर्राटे मारने लगा। मैंने ध्यान दिया था, मेरी खटिया के नीचे से एक हाथ निकला जिसने मेरी टांग पकड़कर जैसे मुझे हिला दिया हो। मैं हड़बड़ी में उठा था और जैसे ही नीचे झांका था, मैंने मेरी उस खटिया के नीचे वो अंधी बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। मैं चीख पड़ा और जैसे ही मैं चीखा, मेरी माँ पूछ रही थी, क्या हुआ। मैंने कहा, वो खटिया के नीचे कोई है नीचे। माँ कह रही, कौन है। मैंने कहा, भूत भूत है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि कुछ नहीं है। मैंने कहा, है माँ, लाइट जलाओ। माँ ने लाइट जलाई और खटिया के नीचे कोई नहीं था, ना मुझे नज़र आ रहा ना मेरी माँ को नज़र आ रहा। फिर माँ ने मुझे समझाया था, गले से लगाया था, भूत नहीं होते। मैंने कहा, माँ माँ शायद भूत होते हैं। माँ ने समझाया, नहीं होते मेरे बेटे, भूत नहीं होते, इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। मैंने माँ की बात मान जरूर ली थी, लेकिन मुझे अब लग रहा था वैसा कुछ मेरे साथ हो रहा है जैसा मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है, और अंत में उनके साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता मेरे साथ वैसा हो, इसीलिए मुझे जो करना है जल्दी ही करना होगा। रात को खिड़की के बाहर मैंने झांका था तो सामने खड़ी वो अंधी बुढ़िया दिखी थी जो मुस्कुराकर मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। मैंने मना कर दिया, मैं डरा हुआ था और मैं माँ को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बुढ़िया की बात बताता तो पूरी बात आगे आ जाती और फिर उसके जलने की बात भी बाहर आती।
मैं समझ नहीं पा रहा था मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन एक तरीका मेरे दिमाग में आया। मुझे घबराना नहीं है, बिल्कुल वो डायलॉग मुझे याद था, आपको घबराना नहीं है। मैं भी घबरा नहीं रहा था। अगली सुबह मैं डरा हुआ जरूर था, रात को बहुत ज्यादा दृश्य नजर आए थे, लेकिन मैं माँ को सुबह कहकर स्कूल गया था। वहां रात को मैं ज्यादा डर गया था, डरावने सपने आए थे मुझे। मैं जब स्कूल में पहुंचा, अब मैं अपने दोस्तों को कह रहा था, मुझे लगता है अब मुझे वो नजर आ रही है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी दोस्तों, तुम सबको मेरी मदद करनी होगी, वरना एक एक करके हम सबके साथ वैसा ही होने वाला है। मेरे दोस्त मान चुके थे, वो जानते थे सबकी बारी आएगी और बचना नामुमकिन हो जाएगा, किसी को बता भी नहीं पाएंगे, कोई यकीन ही नहीं करेगा। मैं अपने दोस्तों को कह रहा था, हमें पहले तो ढूंढना होगा वो डायन थी, उसने खुद कहानी सुनाई। आखिर डायन बच्चों के साथ क्या करती है, उनकी शक्ति कैसे लेती है और रोकने का तरीका क्या है। तुम में से कोई ना कोई ऐसा तो होगा जिसे कोई तांत्रिक बाबा जानता होगा, किताबों की दुकान में किसी की जान पहचान तो होगी। डायन की किताबें ढूंढो, ऐसी चीज करने की कोशिश करो, आज से हमें लगना होगा, वरना मैं मरने वाला हूँ मेरे दोस्तों, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम किसी बड़े से मदद नहीं ले सकते थे, हमने खुद ही बच्चों वाला प्लान बनाया। भले ही हम बच्चे थे, लेकिन समझदार थे, और मुसीबत में समझदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे कुछ दोस्त जिनके गांव में कोई बाबा वाबा रहा करते थे, वो सीधे उन बाबाओं के पीछे ही पड़ गए थे, उन्हें सीधी सीधी कहानी बता रहे थे साफ साफ शब्दों में। कुछ दोस्त थे जो शहर जा सकते थे, वहाँ किताबों की दुकान पर वो ऐसी डायनों की कहानियाँ, डायनों से बचने के तरीके, वशीकरण की किताबें ढूंढ रहे थे। वो चाहते थे कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए उन्हें मिल जाए। दोपहर को 2 बजे ही हम इस काम पर लग गए और 5 बजे मेरे गांव में सब इकट्ठे हुए थे, और जहां जहां सब ने जानकारी इकट्ठी की, हम एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। मैं शाम तक कई बार पेड़ों के पीछे उसे देख चुका था, वो जैसे मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय लगेगा, धीरे धीरे वो नज़दीक आएगी, तब तक हम कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेंगे, मुझे यकीन था अपने दोस्तों पर। तब एक एक करके मेरे दोस्तों ने बताना शुरू किया, जिन्होंने तांत्रिकों से पूछा था कि जो डायने होती हैं वो भी तांत्रिकों की तरह ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं, तांत्रिक मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बुरे तांत्रिक बुरी चीज़ों के लिए भी करते हैं, डायन खुद के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करती है। डायन आधी चुड़ैल ही होती है, लेकिन जिंदा, अगर वो अपने शरीर को जला दे, उसके बाद वो नए शरीर के लिए आहुति दे चुकी होती है और नए शरीर को हड़पने की कोशिश करती है। बस एक डायन को रोकने का तरीका है, डायन की शक्ति किसी न किसी चीज़ में होती है जो हमेशा वो अपने करीब रखती है, अगर उस चीज़ को नष्ट कर दिया जाए तो डायन को रोका जा सकता है। तांत्रिक से उन्होंने ये पता किया था, और किताबों में जो उन्होंने ढूंढा था वो भी लगभग मिलता जुलता ही था। डायन की शक्ति उसकी करीबी चीज़ों में होती है, डायन खुद को जला देगी लेकिन उस चीज़ को नहीं जलाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी की जान तोते में हो, अगर तोता मारा गया तो वो भी मारा जाएगा। वो कहानी की तरह यहाँ डायन के साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। ये बातें होने के बाद मुझे फिर से वो डायन नजर आई थी। मैं अपने दोस्तों को कह रहा था, पेड़ पर चढ़ी हुई, वो देखो, वो कह रहे हमें नज़र नहीं आ रही। फिर मैं समझ गया, वो सिर्फ मुझे नजर आती है, लेकिन अब वो मुझे डरा नहीं रही थी। उसके माथे पर चिंता की लहरें देखी थी और मैं मुस्कुराकर उसे इशारा कर रहा था, आ रहा हूं, तूने जो किया है उसे रोकने का समय आ गया है। और वो भी मुस्कुराई थी और कह रही थी, तुम्हारा भी इंतजार रहेगा। ये प्लानिंग हम कर चुके थे। उस रात जब मैं घर आया था, मुझे नहीं पता था ये रात इतनी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। वो जैसे बहुत करीब थी, इतनी तेज़ी से मेरे करीब आने की कोशिश कर रही। वो घर की चीज़ों को नीचे गिराने लगी थी और माँ को लगता मैं गिरा रहा हूँ। मैंने माँ को कहा था, नहीं माँ, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। पंखा हिलने लगता, लेकिन मैं हर चीज़ को इग्नोर करता, माँ को कुछ नहीं बताता। वो जैसे मेरा गला घोंटने की कोशिश करती, लेकिन मैं घर में बने उस छोटे मंदिर के पास चला जाता। मंदिर से वो दूर रह रही थी, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, तो मैंने वो लॉकेट जो मैं बचपन में पहना करता था, हनुमान जी वाला, वो पहन लिया। उसके बाद वो करीब नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं जानता था
वो कोई ना कोई तरकीब निकालेगी मुझे फंसाने के लिए। अब मैं इससे ज़्यादा समय नहीं बच पाऊँगा, मुझे और तरकीबें निकालनी हैं। जो समाधान है वो करना होगा, कल ही करना होगा। रात किसी तरह से मैंने गुजार दी थी। माँ को मैंने कहा था मैं हनुमान भक्त बन गया हूँ। माँ, पूरी रात मैं आज इस मंदिर के करीब भक्ति करना चाहता हूँ। माँ ने भी कुछ नहीं कहा था और यही तरीका था उस डायन को दूर रखने का। चीखती चिल्लाती डायन मेरे करीब आ ही नहीं पा रही थी और रात मैंने इसी तरह से गुजार दी। सुबह मैंने सभी को कहा था आज स्कूल नहीं जाना है, चाहे डांट पड़ जाए, जिंदा रहने के लिए हमें ज़रूरी काम करना होगा। हम सभी आठ के आठ दोस्त जलने वाली ज़्यादातर चीज़ें लेकर, कपूर, कागज़, टिश्यू पेपर, अखबार के टुकड़े, ऐसे नायलॉन की चीज़ें जो जल्दी जल सकती हों वैसी चीज़ें, छोटे छोटे लाइटर, वो सब को लेकर हम सीधा उस झोंपड़े की तरफ जा रहे थे और मुझे बार बार पकड़ने की कोशिश वो डायन करती, लेकिन मेरे सारे दोस्त मुझे घेरा डालकर चले जा रहे थे। जब हम मकई के खेत के पास से गुजर रहे थे तो मकई के खेत के मालिक ने हमें देख लिया, हम भीड़ बनाकर कहाँ जा रहे हैं, और वो हमें रोकने के लिए पीछे भागने लगा। ये एक ऐसी मुसीबत थी जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त चालाक थे, उन्हें पता था आखिर उसे कैसे बहकाना है। हम तो सीधा निकल गए, कुछ दोस्त उनसे लड़ने में लग गए। वो आदमी मकई के खेत का मालिक ज़रूर था, लेकिन अगर चार बच्चे एक साथ उससे लड़ रहे हों उसे समझ में नहीं आएगा। वो तो ज़मीन पर पड़े हुए गोबर के उपले उठा उठा कर उसके सर पर मारने लगे थे ताकि उसका ध्यान भटके, और हमें इशारा कर रहे थे तुम आगे जाओ। हम आगे निकल आए, चार थे हम चार और डरे हुए। मुझे जैसे बार बार डर उस डायन से लग रहा जो करीब से मुझे नोचने की कोशिश करती, वो मेरे गले में फांसी का फंदा डालने की कोशिश करती। कई बार किसी पेड़ के करीब से मैं गुजर रहा होता, मेरे कपड़े बार बार उनमें फंसते, जैसे वो तने बार बार गर्दन में लिपटने की कोशिश करते। लेकिन जब उस झोंपड़े तक हम पहुंचे थे, पूरी तैयारी थी वो कौन सी चीज़ होगी जो उसके करीब होगी। हम सीधा उस झोंपड़े के अंदर घुसे थे। मैंने कहा वो कुर्सी, मेरे दोस्त ने कहा वो चिमनी। हमने चारों तरफ वो पड़े हुए फूल देखे, सड़ी हुई सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ। हम देख रहे थे किस चीज़ को जलाने में हमें फ़ायदा होगा। कुछ दोस्त ऐसे थे जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेट्रोल लेकर आए थे। छिप कर ही सही, उन्होंने अपने पिता के स्कूटर मोटरसाइकिल से वो पेट्रोल निकाला था। आज जैसे हमारे लिए जजमेंट डे था। मैं सबसे पहले उस लकड़ी के ऊपर कपूर रखकर उसे आग जला रहा था, वहाँ नीचे अखबार रखी और लकड़ी को बाहर लाकर जलाने लगा। तभी वो चुड़ैल मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस कुर्सी को जलाया वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वहाँ सब्जी को जलाया नहीं जा सकता था, लेकिन आग में झोंका जा सकता था। बाहर लकड़ियाँ हमने जलने के लिए रख दी थी, उस पर हम फेंके जा रहे उन सब चीज़ों को जो उससे जुड़ी हुई हो सकती हैं। अंदर बहुत सारी चीज़ें थी और हमारी समझ में नहीं आ रहा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी, और वो हम चारों को नज़र आ रही थी अब घर के उस दरवाजे पर खड़ी। तुम्हें मुझे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं तुम्हारी नियति हूँ अपनाना होगा, मैं अपना शरीर चाहती हूँ और आहुति तुम 10 बच्चों की दूंगी, 2 जा चुके हैं, 8 रह चुके हैं, 80% काम और करना है, बस खुद ब खुद अपनी मौत को अपना लो। वो जैसे अपने शरीर में थी, एक बूढ़ी औरत का शरीर। वो अब अंधी नहीं थी, उसकी एक आंख लेकिन बड़ी छोटी सी। वो अपना शरीर बना रही थी, 2 बच्चों को मारने के बाद इतना ही बना पाई, और हम 8ों को भी मारना चाहती अब नजर आने लगी थी, क्योंकि वो सबको मारती। वो हमारे पीछे हमें नोचने की कोशिश कर रही, बार बार गला घोंटने की कोशिश कर रही, और एक एक मेरा दोस्त जो उस मकई के खेत के मालिक से भी बचकर आ गए थे, वो भी चीज़ों को फेंक फेंक कर जलाने की कोशिश कर रहे। वो जैसे ख़त्म नहीं हो रही थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तभी वहाँ मकई का वो खेत का मालिक भी आ गया और हमें देख रहा, हम क्या कर रहे हैं। वो कह रहा था पागलो यहाँ से निकलो, यहाँ पर वो भूतनी है, वो डायन, वो तुम्हारा शिकार करेगी। तब पहली बार कोई ऐसा आदमी था जिसे हमारे बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने उसे कहा वो हमें मारेगी,
वो आहुति दे चुकी है और हमें मारना चाहती है, हमें नजर आ रही है। उसकी कौन सी जरूरी चीज है जो हम जलाएं? चारों तरफ आग के ढेर लगा रखे थे उनकी चीजों जला जला कर, लेकिन अब समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमें लग रहा हम सब मारे जाएंगे। वो हंसती हुई बुढ़िया डायन अब उस मकई के खेत के मालिक को भी दिख रही और वो कह रही थी, सबका अंत होगा, सबका अंत होगा, मेरा शरीर अब मिलने वाला है। हमारे पास जलाने के लिए कम चीजें बची थी। हमारे पास दो बोतलें थी जिनमें पेट्रोल था, लेकिन उसका इस्तेमाल तब करते जब कोई जलने वाली चीज ना मिले, कोई ऐसी चीज जो जल ही ना पाती हो। तब मेरे दिमाग में आया, ऐसी कौन सी चीज है जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी? आखिर यहां आकर वो क्या बना कर गई? सबसे पहले कहां से शुरुआत की जो अब भी मौजूद है? उसका घर, उस डायन का घर जलाना होगा। जब मैंने ये कहा, उसका वो उतरा हुआ चेहरा बयां कर रहा था, चोरी पकड़ी गई, चीज मिल गई, ये टूटा हुआ लकड़ी का घर इतने समय से भले ही गल गया था, लेकिन बार बार वो उसे ठीक करती थी, इसी में तो उसकी शक्ति जुड़ी थी। वो बोतल एक तरफ मैंने पकड़ी जो मैं उस घर पर छिड़क रहा था और वो मुझे धक्के मारती। मेरा दोस्त भी छिड़कने में लगा था और वो उसे भी धक्के मारती। मेरे दोस्तों के पास कागज था, अखबार थी, टिश्यू पेपर थे, वो गोले बना बना कर उस घर के अंदर फेंकते, हर तरफ लकड़ी फेंकते, बाहर आग जलाने के लिए पूरी तैयारी में। मैंने पेट्रोल छिड़का और एक तरफ आग जला दी। वो चीखें मार रही थी और लकड़ी के घर में आग तेजी से लगने लगी, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए वो जो टिश्यू पेपर थे वो ऊपर फेंकने शुरू कर दिए, तो घर को आग तेजी से लगने लगी थी। जैसे ही वो घर धू धू करके जलने लगा, वो डायन खींचती हुई घर के अंदर गई और उसे भी अपने आप आग लगने लगी। वो चीखने लगी थी और घर के ऊपर जो लपटे निकल रही थी उसमें उस बुढ़िया की शक्ल साफ नजर आ रही थी। वो चीख चीख कर लपटें बनाकर हमें पकड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन जैसे जैसे वो झोंपड़ा जलता गया वो खत्म होती गई, और 15 मिनट में उसका वो झोंपड़ा जलकर राख बन गया था। हमारी आंखों के सामने राख पड़ी थी और पूरी तरह से शांति। हमारे शरीर पर खरोंचों के निशान थे जो उस डायन ने मरने से पहले आखिरी कोशिश की थी। इस तरह हम सब वहां से बच कर निकले थे, और गवाह वो मकई के खेत का मालिक हमें कह रहा था, किसी को मत बताना। ये पेड़ों के आसपास सिर्फ ये डायन ही नहीं है, यहां और भी कई भूतिया घटनाएं होती हैं। कई लोगों को लगेगा वो खत्म हो गई, लेकिन यहां और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। दोबारा यहां मत आना। ये मुसीबत अगर खत्म हो गई तो दोबारा कोशिश मत करना यहां आने की। हम घर आ गए। उसके बाद वो डायन कभी नजर नहीं आई। मैं कई दिनों तक सोचता रहा, क्या वो मुझे मारेगी तो नहीं? मेरी मां भी डर रही थी, कहीं मैं वैसी हरकतें दोबारा तो नहीं करूंगा। लेकिन वो डायन शायद खत्म हो गई थी। आज तक हमें दुख है, मेरे वो दो दोस्त जो मारे गए थे उस डायन के हाथों, उन्होंने आत्महत्या की थी, और ये कहानी जैसे मेरे जहन में दबी दबी सी रह गई और मैं आज कुछ लफ्जों में आपके सामने बयां कर रहा हूं। वो दर्द जो मेरे अंदर था हम किसी को बता भी नहीं पा रहे थे। मैं आप तक इस कहानी को लेकर आया हूं और आप भी बस इसे कहानी ही समझिएगा। कुछ राज हमेशा राज रहने चाहिए, क्योंकि राज खुलने के बाद भयानक रातों का एहसास होने लगता है। मैं वो पेड़ों की जगह, वो जंगली इलाका बताना नहीं चाहता वो कौन सा स्थान है। वहां सिर्फ वो डायन ही नहीं रहती थी, और भी बहुत शक्तियां रहती हैं। मैं नहीं चाहता कोई और वहां भूला भटका पहुंचे। हम तो बच गए, शायद वो बच ना पाए।